गोरखपुर घूमने के लिए, और यहाँ मेरा भाई हेलो गाइस अंश, और इसका ब्लॉग है सौभाग्य ब्लॉग। तो आप जाके जहाँ से आप सब्सक्राइब करिए मेरे भाई के चैनल को एंड गाइस अब भैया के चैनल को, और हम अभी बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। चलिए बाय, आगे मिलते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं रामगढ़ ताल नौका विहार की ओर जाने के लिए। हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ ताल। सो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं अंदर। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप यहां आकर ऊंट घोड़े और हाथी की सवारी का मजा ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा मेन गेट अंदर जाने के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि साइड में रामगढ़ ताल है, और जो ये पार्क साइड में बना हुआ है जहाँ अभी हम जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस का नाम नौका विहार है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफी क्राउडेड प्लेस है ये। तो फ्रेंड्स आप सामने देख सकते हैं यूपी के सबसे हाईएस्ट फ्लैग 75 मीटर सामने है। आप देख सकते हैं पूरे रामगढ़ ताल को अभी जलकुंभी से ढका हुआ है, और आप देख सकते हैं हाईएस्ट फ्लैग ऑफ यूपी 75 मीटर। तो फ्रेंड्स पुराणों की माने तो कहा जाता है कि प्रेजेंट में जो रामगढ़ ताल है यहाँ पे पहले भव्य किला हुआ करता था, और किसी ऋषि के श्राप की वजह से ये जल में परिवर्तित हो गया। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे पहले गांव हुआ करता था, और किसी प्राकृतिक आपदा की आने की वजह से गांव नीचे दब गया और ये जगह जल में परिवर्तित हो गया। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं अंदर इस साइड कुछ मस्ती करने। और तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नौका विहार भी होता है, प्लस इवनिंग में वाटर शो भी होता है, बट अभी जलकुंभी की वजह से सब बंद है। सो फ्रेंड्स अगर आप गोरखपुर में आते हैं तो यहाँ पे एक बार विजिट जरूर करिएगा, ये बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए। ऊंचे झंडे 75 मीटर के सामने मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं पीछे काफी भव्य दिख रहा है। सो फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।